अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जुबेर। न्यू वीडियो में आप सबका खुशामदीद है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, फलकरुमा जंगा पेट के पास से, जो जैसा आप देख रहे हैं हमारे सामने एक हैदराबादी, जो हमारी लोकल ब्रीड की एक फीमेल है, उसके 3 बच्चे हैं और एक नर बच्चा है जो माशाल्लाह अच्छे हेल्थी में है। तो ये एक, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ओल्डेस्ट जो अंकल है बैठे हुए, ये बहुत पुराने एक शौकीन है। तो हम इनसे पूरी, हम गोट्स के बारे में कुछ थोड़ा सीखने को भी मिलेंगे, इनसे कुछ जानकारी भी लेंगे। तो ये पूरे, जैसा आप देख रहे हैं, ये एक बकरी, 3 बच्चे फॉर सेल के लिए है, मेल बच्चा भी फॉर सेल के लिए है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे अंकल आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो अंकल आप ये बताइए, जैसा आपके पास ये हैदराबादी जो लोकल ब्रीड की जो फीमेल्स है आपके पास, पूरी वाइट कलर में है, तो ये आप शौक जो है आपको बकरियों का, तो आप ये कब से ये शौक कर रहे हैं अंकल? 40 साल से आप बकरी पाल रहे हैं। तो आपको ये बकरियों के अंदर क्या बेनिफिट, आपको क्या प्रॉफिट मिलता अंकल इसके अंदर पालने से? बकरे बेचते, पाटा बेचते थे, बकरे रख लेते हम। अच्छा, खाने के वास्ते रख लेते। अच्छा, तो आप ये 40 साल से कर रहे हैं अंकल। तो आपके पास टोटली कितने बकरियां थे पहले? 18 बकरी थे मेरे कहने, 30 के करीब थे। 30 के करीब बकरियां थे। अच्छा 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 का घर खाली था, उसमें रखता था मैंने। अच्छा, घर खरीद लिए लोगों को। अच्छा, बेच दिया पूरा मंदा, पूरा इसको रख लिया था। अच्छा, इसकी नस्ल मेरे कहने चल। अच्छा, इसकी नस्ल है? इसकी नस्ल चल माशाल्लाह, ये बहुत अम्मा को बेच दिया। अच्छा, तो माशाल्लाह से आपके पास ये अच्छी व्हाइट कलर में है। तो अब ये कितने साल की बकरी है अंकल आपके? 8 साल की है माशाल्लाह। तो आपके पास ही है, तो ये हमेशा कितने बच्चे देती है? दो देती तीन बच्चे पक्के, तीन पक्के, दो तो नहीं देती, तीन इंच दे रही बकरी। तो माशाल्लाह, तो अंकल अब ये 3 बच्चे है, ये 3 बच्चों के अंदर कितने मेल और कितने फीमेल? एक नर है, 2 मादी। एक नर है, 2 मादी पार्ट है। तो माशाल्लाह पूरी गुलाबी है, पतीरा टाइप के अंदर बकरी है इनके पास, जो रेशमी कास में। अंकल इसको दूध अभी भी चालू है ना? अच्छा, आधा लीटर दूध निथारता हूँ बच्चों को पिला के। बच्चों को पिला के आधा लीटर दूध निथार लेते आप? चलिए अच्छा। तो अंकल ये कितने में सेल करने का है अंकल? ये अभी देखिए 18,000 बोल रहा, इसके 18,000 रुपए। एक फीमेल है जो उसके 3 बच्चे है, जो गुलाबी के अंदर बच्चे है। तो सिंह परसेंट निकल रही हो? अच्छा नहीं, वो कैप निकल जाता है उसके ऊपर। कैप निकल गया जी? हाँ, कैप निकलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह बकरी तो बहुत ही खूबसूरती के अंदर व्हाइट कलर में है। और हमने खाई नहीं अभी ने। अच्छा, खाई तो ऐसा निकलती शाम तक। अच्छा अच्छा, तो अंकल एक आपके पास में एक ब्रीडर भी है जो देसी बकरी का। हाँ। तो ये दूध के दांत पर है ना अभी? अच्छा, तो ये कितने में देने का है? ये 7,000 रुपए में देने का है। अच्छा माशाल्लाह। तो भाई, किसी भाई को भी चाहिए तो ये भी एक सेम, ये बकरी की, ये बकरी की नस्ल का है ना बच्चा? हाँ, तो सेम पतीरा टाइप के अंदर मुंडे में है, लंबा होता है ना? जी हाँ, इसका बहुत जबरदस्त था इसका बकरा। अच्छा 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 माशाल्लाह। तो अंकल ये था इसका बाप? अच्छा, वो आ गया भटक के तो उसकी नस्ल रही। अच्छा अच्छा, अंकल आप बकरियों को कुछ मेडिसिन दवाया कुछ देते आप? बोरोफिन डालता हूँ। अच्छा, पैखानों के गोलियां कैप्सूला डालता हूँ। अच्छा, बुखार की दवाखाने को ले जाता हूँ। अच्छा, मैं डाल देता हूँ। आप ही पूरा ट्रीटमेंट कर लेते? पूरा मैं कर लेता हूँ। माशाल्लाह आप तजुर्बेकार भी है, जो 40 साल से आप ये बकरियों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार पैखानों के कैप्सूला डाल देता हूँ, लाके डाल लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक बार आपका नंबर बता दीजिए। 93 ओके 47 ओके 07 10 44 ओके। व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर ये सेम ही है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, माशाल्लाह से अंकल को एक 40 साल का एक तजुर्बा है। तो जैसा आप देख रहे थे, एक अच्छी एक फीमेल थी जो इनकी पुरानी फीमेल रोक के रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल इसके दांता बताइए एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दांत है, पूरे दांत है। अभी 8 दांत की बकरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छी फीमेल रखी अंकल आपके पास है, अच्छी लॉन्ग हाइट में भी अच्छी है और लॉन्ग में भी अच्छी है, वेट में भी अच्छी है बकरी। तो जिस भाई को भी चाहिए यहाँ से आप, अंकल ये बताइए यहाँ का लोकेशन पूरा बताइए यहाँ का। जंगा में पीजी की मस्जिद। ओके।
बस इतना ही यहाँ का एड्रेस। चलिए अज्जू भाई का घर बोलो, कोई बकरियां वाले, बकरियां वाले अज्जू भाई का। तो चलिए अच्छी बात है। तो जैसा आप देख रहे थे यहाँ पर बकरियां, देसी बकरियों का एक बकरी तीन बच्चों के साथ, एक बड़ा मेल है जो ब्रीडर टाइप में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 7000 रुपीस में मेल, ये बकरी 18000 रुपये कोट कर रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत निगेशियबल होगा। तो आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, किसी को भी चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हाँ बोलिए अंकल। अब देखिए मैं आधा लीटर दूध निकालने के बाद तीन बच्चों को भी पिलाता हूँ, माशाल्लाह से बच्चे ऊंचे पूरे निकलते। अच्छा जबरदस्त निकलते। देखे तो आप बकरा भेज दिया परसों वही। अच्छा ऐसा ऊंचा पूरा था। अच्छा सिंह का बच्चे पीने के बाद सुबह निकाल लिया तो शाम में नहीं निकालता हूँ। अच्छा और लोगों को दवाओं में दूध देता हूँ मैं। अच्छा बहुत दूर दूर से बालापुर की दवा लाए, कलकत्ते के सर की लाए, वहाँ की लाए, वो तो दूध आपको आ गए तो नहीं निकालता हूँ। अच्छा सुबह ही देता हूँ बस, सुबह बीच में निकाल के देते ही नहीं। अच्छा किसी को भी तो आप पैसे नहीं लेते सर, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आप खिदमत का भी एक काम कर रहे हैं। जानवर अच्छा है ना सर? जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास लोग कहाँ कहाँ से आते हैं दूध लेने के लिए? कंदीगल गेट से, खादी चमन की रोड से। अच्छा और विशाले से। अच्छा पुगड़े से, स्टेशन की तरफ से। अच्छा आते आते दूध दियो बोल के आते हैं, खटके मारते इतना 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 तो देता हूँ जी। अच्छा दवा के लिए? दवा के लिए लोगों को देता हूँ, पैसे मैं नहीं लेता हूँ। अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका, पूरी हमारे को जानकारी दिए। बस उतना ही वो दरक के उसके लाते। बस चलिए अच्छी बात है। अजवाइन खिलाता हूँ। अच्छा भूसा चुन्नी। अच्छा टमाटे गोभी का पत्ता हर चीज सब सड़े हुए। अच्छा बहुत खा लेते हूँ। चलिए छिलके माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, खाते हैं वही खिलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास फिर के भी खाते हैं बकरियां? फिर लेके आ जाते। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी हाँ जी हाँ। तो चलिए अच्छी बात है अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। आपका तजुर्बा भी हमारे व्यूवर्स को बताए 40 साल का। तो आज के जो पीरियड के हिसाब से लोग जो बकरियां पालते हैं, अब पहले तो लोगों के बकरी का ये खास बात है, एक महीने के बाद बच्चे देने के बाद फिर गाँव हो चुके, अब बकरे नहीं है बल्कि कामुज बड़ा। अच्छा कल से पुकारी। अच्छा पुकारती है बकरी, ये बकरी पुकारती अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छी बात है। तो अब जरा इनके ने है बोले तो मैं लेके जाने वाला था। अच्छा खराब हो जाती है, अब 6 महीने तक बच्चे बड़े होते हैं फिर भी बच्चे जन्म देते। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुखाती है। अच्छा तो रेशमी कास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास में बहुत अच्छी फीमेल है तीनों बच्चों के साथ। तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिए। खुदा हाफिज फ्रेंड्स।